हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनोम सेसे के बारे में, जो कि इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा दस्त की समस्या और स्टमक से जुड़ी इन्फेक्शन को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं इकोनोम सेसे के बारे में। इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशनों में क्या काम है, कौन कौन से पर्पजों में यूज किया जाता है, डोज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, किसे नहीं लेना है, यह सभी बातें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं इकोनोम सेसे, जो कि डॉक्टर रेड्डी कंपनी की बनाई हुई मेडिसिन आपको 40 से 45 रुपए की प्राइस में बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाता है। बात करें इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, तो इसमें आपको एक ही कॉम्बिनेशन मिलता है जो कि सैक्रोमाइसिस बोलार्डी है। सैक्रोमाइसिस बोलार्डी जो कि प्रोबायोटिक क्लास से बिलोंग करने वाला यह मेडिसिन है, यह एक तरीका प्रोबायोटिक है। इसके साथ ही साथ यह एंटी डायरियल प्रॉपर्टीज भी होती है, जो कि डायरिया की शिकायत को दूर करने के लिए काफी फायदेमंद होता है, दस्त की समस्या को खत्म करने के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसे बच्चों में भी दिया जाता है और इसे बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनको भी अगर डायरिया की समस्या होती है तो उन सभी कंडीशनों में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। या किसी प्रकार की एंटीबायोटिक लेने के बाद दस्त होने की समस्या हो गई है तो उन सभी कंडीशनों में भी इस्तेमाल किया जाता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यह डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए काफी फायदेमंद होता है। एलर्जिक इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उनको यह रिड्यूस करने में काफी कारगर होता है। या किसी प्रकार की खुजली होती है तो उसको यह कम करने के लिए काफी कारगर है। इसके अलावा इसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी इस्तेमाल किया जाता है। पेट में मरोड़ होकर के दस्त होने की समस्या होती है, पेट में मरोड़ होता है तो उन सभी पर्पजों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्टमक अल्सर की समस्या होती है या इनडाइजेशन होता है, अपच की समस्या होती है तो उन सभी कंडीशनों में भी यह काफी फायदेमंद होता है। यह एक तरीके का प्रीबायोटिक क्लास एक बिलोंग करने वाला जो कि मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल मल्टीपल ऑफ स्टेट्स में इस्तेमाल किया जाता है। इनके बहुत से फायदे होते हैं। डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार और पेशेंट की क्या कंडीशन है उस पर डिपेंड होकर के इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। और इस दवा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल डायरिया के पर्पज में इस्तेमाल किया जाता है। इससे जो भी जुड़ी हुई रोग होती हैं, डाइजेशन से जुड़ी हुई या स्टमक से जुड़ी हुई, उनको भी यह सॉल्व करने में काफी कारगर होता है। बात करें इस दवा का क्या डोज होता है, तो डोज डिपेंड करता है कि हेल्थ की कंडीशन क्या है, इसे दिया जा रहा है, प्रॉब्लम किस स्टेज का है, उस हिसाब से इसका डोज कन्फर्म होता है। इसे दिन में 1 से 2 बार इस्तेमाल लिया जाता है। इसमें जो एक पाउच होता है वह एक बार में यूज किया जाता है। नॉर्मल पानी में मिलाकर के आप इसे ले सकते हैं। इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मेसिस्ट से जरूर सलाह लीजिए, उसके बाद ही आप इसे इस्तेमाल करें। इसके साथ ही साथ इस दवा का क्या डोज लेना है, इन सभी बातों का भी जरूर कंफर्मेशन करें डॉक्टर से। यह एक तरीके का शेड्यूल ड्रग्स है, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो कि डॉक्टर की देखरेख में ही इस्तेमाल करना होता है। बात करें इस दवा का क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, अगर आपको सूट नहीं करता है तो वॉमिटिंग, सर में दर्द, त्वचा में लालीपन, चेहरे पे सूजन, नींद ना आना या बहुत ज्यादा नींद आना, चक्कर आना, इस तरीके के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। किसे नहीं लेना है, अगर आपको कोई भी क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन में कोई मेडिसिन कोर्स चल रहा है तो उन सभी कंडीशनों में इस्तेमाल ना करें, और करते हैं तो डॉक्टर की देखरेख में ही करें। तो यही था इकोनोम सेसे के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो या जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।